होने वाला है 6 बजे शाम तक, और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, आपके अम्बेडकर नगर, बलिया, ये 5 जिले में तो 21 सीट न भाजपा को मिलना है न बसपा को मिलना है। और बनारस में 8 सीटें हैं, 8 में हम 5 जीत रहे हैं, 2 पे लड़ाई है। चंदौली में 4 है, 4 में 3 हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, 9 में 7 हम जीत रहे हैं, 2 पर वहाँ लड़ाई है। इस तरह पूर्वांचल में जो 54 सीटों का चुनाव हो रहा है आज 7वें चरण का, आप देखिएगा इसमें कम से कम हम लोग 45 से 47 सीट जीतेंगे ये यहाँ का, क्योंकि जो प्रदेश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर डाला, जो पिछड़े दलित का आरक्षण लूटा, आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसको ये खत्म कर रहे हैं, दूसरा जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं कराएंगे, और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना ये जातिवार जनगणना कराने के लिए कि सरकार बनते ही 6 महीने में करा देंगे, दूसरा गरीबों का इलाज हम कोई भी जाति धर्म का होगा हम फ्री में इलाज करेंगे, ऑपरेशन फ्री में करेंगे, तीसरा एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम देंगे, और प्रदेश में बिजली सरकार बनते ही शपथ जिस दिन अखिलेश जी लेंगे उसी दिन से लगातार 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे। प्रदेश में इस बात को जब कहिए बिजली के बिल माफी पर तो हर आदमी एग्री है कि नहीं ये चीज होना चाहिए। जो योगी मोदी जी के आवारा पशु, या हम अपनी भाषा में पूर्विया भाषा में उसको ललका सांड कहते हैं, तो ये ललका सांड से निजात दिलाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को वोट दे रही है, उनके गठबंधन को वोट दे रही है। और जहां तक गाजीपुर जहूराबाद का सवाल है तो यहां जितना भाजपा और बसपा मिल के वोट पाएंगे उतना वोट से हम चुनाव जीतेंगे। आपने अंतिम लेना चाहें कि क्या उम्मीद की जा सकती है सपा से और या आपकी गठबंधन से? देखिए राजा के लक्षण पर लक्षित होते हैं, हम देख रहे हैं कि करीब 5वें चरण से ही अधिकारी मूड बदल लिया है। अब तो अखिलेश जी के बंगले की सफाई हो रही है, मुलायम जी के बंगले की सफाई हो रही है, शिवपाल के बंगले की रंगाई पोताई हो रही है, तो वहाँ उन लोगों को मालूम हो गया है ब्यूरोक्रेट को कि आ रही है सरकार समाजवादी पार्टी गठबंधन की, तो ये दिख रहा है लोगों को। और प्रदेश की जनता बदलाव चाह रही है, महंगाई की मार से अब जो गरीब 250-300 रुपया डेली पे काम कर रहा है उसके परिवार कैसे चलेगा, ये महंगाई पर कोई काबू पाने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है, रोजगार की कोई इनकी योजना नहीं है, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सबसे क्या फायदा है भाई, घट घट व्यापी राम है दुनिया देखे ना, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करें, क्या है आप प्रदेश में अमन चैन पैदा करो, नफरत की बात क्यों करते हो, बात करोगे राष्ट्रवाद का काम होगा जातिवाद का। आप भी अलायंस पार्टनर रह चुके हैं पिछली बार, तो क्या इश्यूज रहे हैं जिनके ऊपर आपने छोड़ा? देखिये भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है, वो आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, दवाई के लिए तरस रहे थे, और ये लोग बंगाल में वोट के लिए तरस रहे थे, इनको ये नहीं पता कि यहाँ लोग मर रहे हैं, बांदा से बलिया तक गंगा जी में हजारों लाशें तैर रही थी, इनको ज्ञान नहीं कि इसे हम कैसे निजात दिलाएं, ये बंगाल में वोट के चक्कर में खाली पड़े थे। और आज प्रदेश में आप किसी परिवार में जाइए आपको ये लगेगा कि वो परिवार रोजगार के लिए परेशान है, वहां का नौजवान परेशान है, उसके माँ बाप परेशान है, पढ़ा लिखा करके कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो परेशान है रोजगार के लिए। आज किसान से बात करिए तो योगी मोदी के ललका सांड से फसलें चरी जा रही हैं, इसको रोकने के लिए इनके पास योजना नहीं है, खाली नफरत की बात बोलते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा भाजपा ही जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, नवाज शरीफ की पत्नी को पैर पकड़े, साल भेंट किए, बिरयानी खाए चले आए, आपके लालकृष्ण आडवाणी जी गए जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ा के आए, वहीं आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, वही ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता एक्सप्रेस चलाए, पाकिस्तान में जो समझौता एक्सप्रेस लेके गए तो उसके पीछे क्या मकसद था, समझौता एक्सप्रेस आपकी चलाए तो जो आप काम कर रहे हो एक तरफ तो नफरत बीज बो रहे हो और दूसरी तरफ आप समझौता एक्सप्रेस चलाए, हम तो गलत बोल रहे हैं लेकिन गोबर का कारोबार देंगे, है ना,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, पढ़ो तब न जानकारी होगी। हैं सर, बात करें हम, आपने बीजेपी क्लेम कर रही है कि 300 के पार जा रही है, तो उसके देखिए दिल्ली में भी चुनाव हो रहे थे, दिल्ली में भी ये दो तिहाई चुनाव जीत रहे थे और दो तिहाई में 3 सीट पाए। ये बंगाल भी गए थे, बंगाल भी दो तिहाई सीट पा रहे थे और लौट के चले आए। अगर इतना इन्होंने काम किया, इतने बड़े शोहरत के नेता लोग हैं, तो आप बताइए कि ये थूक लगा के पर्चा क्यों बांट रहे थे? आप देखा है आपने, और देश के प्रधानमंत्री जिले भर घूम घूम के वोट मांग रहे हैं, पहली बार आजादी के बाद हो रहा। तो ये सब जो सरकार के रवैये हैं, पिछड़े दलित आरक्षण के सवाल पे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का आरक्षण लूट लिया योगी जी ने। आज गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण 72 घंटे में आप दे सकते हो, तो 52% जो पिछड़ों का, इनका आरक्षण कब दोगे? तो इनके विषय में सिर्फ वोट के लिए ये लोग पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं।